अपने मजेदार गवई अंदाज, दिलचस्प और ठेठ बयानबाजी और बिंदास नेता के तौर पर जाने जाने वाले लालू यादव पिछले काफी दिनों से मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं। नीतीश के झटके और केंद्र सरकार की टेढ़ी नजर कुछ ऐसे लगी कि परिवार भी कई केस में जांच के दायरे में आ गया। एक पल लगा लालू नाम का अजय किला अब ढहने की ओर है, लेकिन शायद लालू नाम ही है दोबारा खड़े हो जाने का, गिरकर संभल जाने का। आरोप लाख हो, जिंदा दिली लालू की खूबी है। चारे से लेकर मिट्टी तक के घोटाले के आरोप लगे, जेल भी गए। बिहार में नीतीश के उभार ने पार्टी को लगभग खत्म ही कर दिया था, लेकिन फिर सत्ता के केंद्र में धमाकेदार वापसी भी की। वे उतार चढ़ाव के बीच अपनी सियासी पारी खेल रहे हैं, वो भी तब जब कोर्ट से उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगी हुई है। एक बार फिर लालू की ताजपोशी पार्टी अध्यक्ष के तौर पर हुई है। वो 10वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष चुने गए। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल सभागार में आयोजित आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक और खुले अधिवेशन में राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद के निर्विरोध निर्वाचन की आधिकारिक ऐलान करते हुए लालू यादव को प्रमाण पत्र सौंपा, जिसके बाद लालू को उनकी ताजपोशी को लेकर बधाई और शुभकामना का तांता लग गया। राबड़ी देवी ने लालू यादव को गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी, जिसके बाद बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने लालू यादव को मुकुट पहनाकर तलवार भेंट की। इस ताजपोशी के बाद लालू यादव 2020 तक पार्टी के मुखिया बने रहेंगे। मसलन 2019 का लोकसभा चुनाव पार्टी उनके ही नेतृत्व में लड़ेगी। जहां एक ओर राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद के खुले सत्र में लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए, वहीं पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित कर उनके बेटे तेजस्वी यादव को पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। लालू यादव और आरजेडी ने जिस तरह आक्रामक रणनीति अपनाते हुए तेजस्वी को अभी से सीएम कैंडिडेट घोषित किया, इसका फायदा भी उसे मिलने की उम्मीद है। पिछले दिनों तेजस्वी का राहुल गांधी के साथ लंच करते फोटो भी बताता है कि तेजस्वी तेजी से लालू यादव की जगह ले रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पार्टी में नई जान आई है और नीतीश द्वारा दिए गए झटके को भी अगले चुनाव में भुनाने की कोशिश होगी। ऐसे में लालू यादव आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा जादू कर दे तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। हालांकि पिछले दिनों महागठबंधन की नाकाम कोशिश हुई, लेकिन पार्टी इससे हताश नहीं है। पार्टी के लिए सुखद स्थिति यह है कि तमाम मुश्किलों के बाद भी पार्टी एकजुट है, लालू यादव के नेतृत्व में अगले मुकाबले के लिए तैयार है। जबकि दूसरी तरफ जेडीयू में दो फाड़ हो चुकी है। भले ही शरद यादव के पार्टी में जाने से जेडीयू को कोई बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन लालू यादव का जादू चला तो सीधा नुकसान जेडीयू का ही होगा। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल उनकी पार्टी नहीं बल्कि निजी संपत्ति है। नीतीश भले ही लालू यादव के लिए सच का बखान कर रहे हों, इससे लालू यादव का कोई नुकसान नहीं दिखता, क्योंकि पार्टी वर्कर और वोट बैंक को इसमें कोई आपत्ति नहीं दिखती है। परिवारवाद के आरोप भले ही यादव परिवार पर लगते रहे हों, लेकिन ये आरोप मानो उनके लिए संजीवनी का काम करते हों। विवाद और आरोप से लालू यादव का चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन इन आरोपों के बीच से वो बाखूबी बिना नुकसान निकल जाते हैं। धनंजय कुमार धवन, रैड नेटवर्क, पटना।